सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, यहाँ का काम खत्म करके तुम अपने घर निकल जाना। जी साहब। हेलो, हाय बेबी, कहाँ पर हो तुम? वो एक्चुअली ना आज घर पर मैं अकेली थी। हाँ, वो मॉम डैड किसी काम से बाहर गए हैं ना, इसलिए। हाँ तो तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अर्पिता, घर पे कोई है तो नहीं ना? सब चले गए ना? हाँ, पापा अब ऑफिस चले गए और मम्मी मार्केट गई है किसी काम से। वैसे अर्पिता, मैं बोल रहा था कि कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, तुम अपने घर पे बात कर लो ना। अरे बताऊंगी ना, क्यों नहीं बताऊंगी, पर मैं ना कोई सही मौका ढूंढ रही हूँ जिस टाइम मैं मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता सकूँ। अच्छा ये सब छोड़ो ना, कल मेरा बर्थडे है और मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, तो लाए तुम मेरा गिफ्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने मुझसे कुछ मांगा है और मैं ना पूरा करूं, ऐसा हो सकता है क्या? दे दिया है मैंने ऑर्डर, कल तक मिल जाएगी। सची, आई लव यू बेबी। एक मिनट, चुप रहना। हेलो, सारा काम हो गया और तुम घर चली गई? हाँ। और वो चाबी? हाँ, चाबी भी रख दी। ठीक है। कौन सी चाबी? वो नेबर्स चाबी देकर गए थे तो वो गार्ड के पास रखवानी थी, तो बस इसीलिए कॉल आया था उनका। झूठ बोल रही है। और तुम कुछ बता रहे थे? हाँ, वो मैंने अपनी मम्मी को बता दिया है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, पर उनको पता नहीं है कि वो है कौन। बस तुम अपने घर पे बात कर लो, फिर बात तो आगे बढ़ ही जाएगी। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़े दिनों में मम्मी को बता दूंगी सब। वैसे मैंने सब प्लान कर लिया है कि हम कैसे शादी करेंगे, डेस्टिनेशन हमारी कैसी होगी। साहब, आप? अर्पिता, ये क्या बोल रही हो? साहब, अब कोई फायदा नहीं है इसको चुप कराने का, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे घर की नौकरानी मेरे ऑफिस जाने के बाद क्या करती है, कि वो अमीर लड़कों को फंसा के उन्हें घर बुलाती है और उनसे पैसे ऐंठती है, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती है। और देखो, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ भी लिया विद प्रूफ। अर्पिता, ये क्या बोल रहा है? नौकरानी प्यार के जाल में फंसाना, क्या ये सब? मैं ना तुम्हें सबको समझाती हूँ, प्लीज बस दो मिनट चुप रहो प्लीज। तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी, जाओ। अरे अर्पिता, अब क्या फायदा इसको घर भेजने का, इसको पूरा हक है सच जानने का। तो भाई मैं बताता हूँ कि पूरी सच्चाई क्या है। असल में तुम जिसको अपनी गर्लफ्रेंड समझते हो ना, वो तो बहुत बड़ी झूठी है। और क्या बोला था इसने कि ये घर इसका है? असल में ये घर मेरा है और ये मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, और ये हमेशा तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसा के प्यार का नाटक करती है और उनसे पैसे ऐंठती है और उनके साथ टाइम पास करती है। और ये काम ये आज से नहीं कर रही, बहुत टाइम पहले से कर रही है, बस पकड़ी आज गई। क्या अर्पिता, ये जो कुछ भी बोल रहा है ये सच है? ये घर तुम्हारा नहीं है? तुम्हारी खामोशी सब कुछ सच सच बता रही है। अरे क्या क्या सोच लिया था मैंने तुम्हारे बारे में, मैंने अपने घर भी बता दिया था। मन तो करता है तुमको जान से मार दूं, पर वो भी नहीं कर सकता ना, तुमसे प्यार जो करता हूँ। आज के बाद ये शक्ल मत दिखाना, जा रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने टाइम से लोगों को ऐसी बेवकूफ बनाती जाओगी और कभी पकड़ी नहीं जाओगी? उनके साथ चालबाजी करती रहोगी, उनको लूटती रहोगी, तो कभी तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आएगी? शायद तुम भूल रही हो कि ये घर मेरा है, तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती ना मेरे। अब कौन इस घर में आता है, कौन जाता है, आस पड़ोस वाले भी देखते ही हैं, तो बस वहीं से खबर आ गई थी मुझे और वहीं से ही मेरा शक चालू हो गया था। तो इसलिए मैंने ये सब प्लान किया, आखिर मेरे को भी तो पता चले कि मेरे पीठ पीछे से कौन इस घर में आता है और तुम क्या करती हो। और देखो, आज सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा साहब, पक्का। क्या गलती हो गई? और तुम्हें ये लगता है कि ये सब देखने के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, वरना अभी के अभी ना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ मैं, समझी तुम?
फिलहाल तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँ। आप चुपचाप जाओ यहाँ से।